बक्सर जिला अंतर्गत चौगाई प्रखंड अंतर्गत मसरीहा गांव की घटना है, जहां जयनाथ सिंह उसके परिवार लोगों द्वारा गांव के एक वृद्ध दंपत्ति को लंबे अरसे से मदद की जा रही थी। वृद्ध दंपत्ति द्वारा अपनी जमीन का पूरा पैसा लेकर बेच दी गई। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को नागवार लगने लगी, अनावश्यक रूप से कलंकित करने के लिए विवाद पैदा करने लगे। यहां तक कि रजिस्ट्री कराई गई जमीन को विवाद में डालते हुए म्यूटेशन रुकवाने के लिए आवेदन उच्च कार्यालय में दे दिया। इस संबंध में जयनाथ सिंह ने कहा कि लंबे समय से सेवा करने के बावजूद पूरा पैसा चुकाकर कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्ट्री कराई है। मामले को अचल अधिकारी महोदय उच्च जांच पड़ताल कर कार्रवाई करें, ताकि समाज में फैली अफवाह दूर हो सके। दिनों से हम लोग के पास दौड़ रही थी तो आ करके रोज इतनी डेली इतनी कर देते, तो 5 साल पहले से इसको लेन देन का प्रक्रिया जो है पैसा देते थे कि हम लोग भूखे मरते हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो आ करके पैसा 5 साल से ले जा रही है। लेकिन लास्ट में जब पूरा क्लियर इसको पैसा दिया गया तो जाके कोर्ट में अपना जो है जाके अपना क्या मानते हैं आप, क्या मानते हैं कि धोखा हुआ आपके साथ? हमारे साथ ये छल हुआ है कि एक प्रैक्टिशनर है, इनको इज्जत पर धावा बोला जाए कि पूरा सारा लोग जान गए, हमारे छवि को खराब करने के लिए ये सब साजिश रचा गया है। उसको दबाव देकर टॉर्चर करके उसको बयान बदलाया गया है। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम जय मंगल सिंह, कहाँ के रहने वाले? ग्राम मसरिया पोस्ट चौंगाई थाना मुरार जिला बक्सर। थैंक यू। हमनी के सच्चाई को एकदम बिल्कुल सही बात बा कि हमनी के जिनका बूढ़ा बूढ़ी से तय तापरा हर चीज़ बातचीत कह के गोनी या कोर्ट कचहरी पे जाकर ढंग से हर चीज़ पैसा पे जताना पेमेंट उनका करे कर रहे। कितना में जमीन लिखा जाए? पेमेंट मतलब कागज के हिसाब से 10 लाख मतलब कि 30,000 रुपये कागज बन गई। सब पेमेंट कैल के बाद में बावजूद भी मतलब हमनी को उनका दे के रसीद बेची सब चीज़ करा वरा के फोर फीट हम लोग के साथ में खाना खा के आए। इसके बाद में मतलब ये लोग गांव पे आए तो मतलब गांव वाले जानकर जान गए, तो इधर उधर हमारा कुछ खिलाफ आदमी दुश्मन समझी या कुछ ऐसा आदमी है जो कि खिलाफ में सब लोग मिला जुला कर उन लोगों को मतलब बहकावा में सिखा कर जो उनकी हंगामा हुआ तब पर भी 2 दिन बूढ़ा बूढ़ी सब कर रहे हैं कि नहीं हम लोग दान किए हैं सही चीज ली पैसा लेकर लिखे हुए हैं, लेकिन तब पर भी दबाव कुछ आदमी का ऐसा हुआ कि दबाव क्या साजिश है क्या आपकी? साजिश है, टोटल पूरा साजिश है। कुछ हमारा खिलाफ आदमी है जो साजिश रच करके मतलब ये रच करके ये कराया गया है कि हम लोग को बदनामी बेइज्जती कराने के लिए। तो क्या आप मांग करते हैं जो सीओ हैं या जो अधिकारी उनसे? हाँ, क्या मांग? सीओ भी एप्लीकेशन मतलब ले जाकर ये सब दिखा रहा है, वीडियो कॉलिंग ये कुल करा कर मतलब कि सीओ इनको लोगों को दाखिल खारिज न करें। लेकिन हमारा है कि हमारा जो काम हम सरकार के नियम के अनुसार हम एकदम बिल्कुल हम चाहिए और इसी से हमको मतलब सरकार से मतलब यही चाहिए कि हमारा जो दाखिल खारिज करना है मोटेशन जो किसी तरह से ढंग से किया। अपना परिचय बताइए। हम नियम से कराए हैं उसी नियम से यहाँ भी दाखिल खारिज किया भी। अपना परिचय बताइए। अपना परिचय में जयनाथ सिंह, कहाँ के रहने वाले? भर मसरिया पोस्ट चौंगाई थाना मुरार जिला बक्सर। सही सही बात, एकदम गलत डॉक्टर साहब गलत फंसावल जाता है, उनका गलत इल्जाम लगावल जाता है। डॉक्टर साहब बहुत व्यवहारिक आदमी हम आ गरीब आदमी के गुरबा के बहुत डॉक्टर साहब मदद कर। और डॉक्टर साहब के कोनो ये में गलत नहीं है, डॉक्टर साहब गलत आदमी ना हड़न, डॉक्टर साहब बहुत गरीब गुरुबा के मदद कर ले बानी, व्यवहारिक भी हर चीज से मदद कर ले बानी। अपन परिचय बताइए। सुरनाथ सिंह यादव, सुरनाथ सिंह यादव ग्राम पोटचौंगाई